आपको शर्म आती है या नहीं? क्या हुआ मैडम, मेरी बहन ने कुछ किया क्या? कुछ किया, ये पूछो क्या कुछ नहीं किया। आपकी बहन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन मैडम, मेरी बहन तो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है। अच्छा, आपकी बहन हमारे स्कूल में हिंदी बोलती है और हमारे स्कूल में हिंदी बोलना अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कोई सड़क छाप स्कूल नहीं है, और इसकी वजह से और सारे बच्चे भी हिंदी में बोलने लगे हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे गवार बच्चे। और देखो, तुम्हारे ऐसे पेरेंट्स की वजह से आज मुझे भी हिंदी में बात करनी पड़ रही है। लेकिन हिंदी बोलना तो अच्छी बात है ना मैडम, और ये तो हमारी राष्ट्रभाषा है, ये तो सबको बोलना चाहिए। अरे इसी बात की तो दिक्कत है, मैंने बोला ना तुम्हारी बहन यहाँ हिंदी बोलती है और हिंदी बोलना यहाँ अलाउ नहीं है, और ये बात तो आपके समझ में नहीं आती है। लेकिन मैडम, मेरी बहन पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है। अच्छा वैसे एक बात बताइए, मुझे आज ही एक टीचर ने बताया आप लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती है ना? जी मैडम जी। देखिए बुरा मत मानिएगा, अगर मुझे पहले से पता होता कि आप लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती है तो मैं आपकी बहन को कभी अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देती। वो तो स्कॉलरशिप की वजह से यहाँ पढ़ रही है, वरना इन जैसे बच्चों को मैं अपने स्कूल के आसपास ही भटकने ना दूँ। मैडम, हम जैसे लोगों को क्या मतलब है आपका, और हम लोगों में क्या दिक्कत है? हम लोग इंसान नहीं है क्या? आप जैसे पुअर लोग की यही तो दिक्कत है। आप लोग को हमारी सोसाइटी का पता होता नहीं है कि रिच लोग होते कैसे, उनका क्लास क्या होता है, क्योंकि आप लोग झाड़ू पोछा करते हैं और आप लोग का पूरा खानदान झाड़ू पोछा ही करेगा। हाँ मैडम, मैं झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, लेकिन मेरी बहन होशियार है और ये पढ़ना लिखना चाहती है, और मैं इसका सपना पूरा करना चाहती हूँ। देखिए कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में, मेरी मानिए जहाँ आप झाड़ू पोछे का काम करने जाती है इसको भी साथ में ले जाइए। अरे कुछ सीखेगी आपसे, दो चार पैसे घर में आएंगे, आप लोग की ही हेल्प होगी, क्योंकि पढ़ाई इसके बस की है नहीं। यकीन नहीं हो रहा है ना आपको? रुकिए मैं आपको इसका रिपोर्ट कार्ड दिखाती हूँ। देखिए तो देखिए आपने इसके मार्क्स। अच्छा आप तो पढ़ी लिखी नहीं है, आपके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। रुको मैं बताती हूँ, इसके साइंस में से 3 मार्क्स और इंग्लिश में 10 में से 2 नंबर, और आप हिंदी की बात कर रही थी ना, हिंदी में 10 में से 1 नंबर, और संस्कृत वो तो सबसे ईजी होती है, उसमें भी 10 में से 2 नंबर। इसके हिसाब से आपकी बहन तो फेल हो गई है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता आपकी बहन आगे जाके कुछ कर भी पाएगी। और तो और आपकी बहन ने स्कूल का पूरा स्टाफ परेशान करके रखा है, किसी की बात ही नहीं सुनती है, सबको उल्टा जवाब देती है, इसने तो मुझे भी उल्टा जवाब दिया है। और वैसे भी जिसके घर में उसकी बड़ी बहन ही काम वाली होगी तो छोटी बहन भी वही काम करेगी ना, संस्कार भी तो वहीं से आते हैं। देखिए हमारे स्कूल के बगल में ना सरकारी स्कूल है, वहाँ अपनी बहन का एडमिशन कराइए, इसके जैसे लोग भी वहाँ मिल जाएंगे और साथ भी मिल जाएगा, क्योंकि हम जैसे अमीर लोगों के स्कूल में पढ़ने की तो इसकी औकात है नहीं। लेकिन मैडम, मेरी बहन को बहुत ही मुश्किल से एडमिशन मिला है यहाँ पर, और बहुत ही मुश्किल से स्कॉलरशिप मिली थी। आप इसको लास्ट मौका दे दीजिए मैडम, ये मन लगा के पढ़ाई लिखाई करेगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। देखिए मैंने कहा ना आपकी बहन हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती, क्योंकि इसकी वजह से हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। आपकी बहन यहाँ नहीं पढ़ सकती मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती। मैम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या बोल रहे हैं? मैम आप टीचर नहीं हैं, टीचर कभी भी किसी से ऐसे बात नहीं करती हैं। आपने क्या बोला, हम पढ़ नहीं सकते? ऐसा नहीं है मैम, मेरी दीदी इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि वो मजबूर थी, उन्हें पढ़ने का चांस नहीं मिला। अगर उन्हें पढ़ने का चांस मिलता तो वो बहुत पढ़ती, और अब वो चांस मेरी दीदी मुझे दे रही हैं ताकि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन पाऊँ। और मैम आप क्या कह रहे थे कि मैं झाड़ू पोछा करूँ? आप एक बात बताइए, मेरी जगह अगर आपका बच्चा होता तो क्या आप उससे भी यही करवाती? ये क्या बकवास कर रही है आपकी बहन? आपकी बहन मेरे बच्चे से कंपेयर करेगी खुद को? मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम सब इक्वल हैं। अगर आपके बच्चे को पढ़ने का हक है तो मुझे भी है, हम सबको पढ़ने का हक है। और मुझे ये भी पता है कि आप मुझे स्कूल से क्यों निकालना चाहती हैं, ताकि मैं उन अमीर बच्चों के साथ ना बैठ पाऊँ, उनसे आगे ना बढ़ पाऊँ, है ना? मैम मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी जब आप मुझे इस स्कूल से निकालने की बात कर रही थी। अरे मैडम आपने तो एक टीचर का नाम ही बदनाम कर दिया, मेरी बहन को स्कूल से निकालने के चक्कर में आज आपने एक झूठ का सहारा लिया। मैडम मैं भी अपनी बहन को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती जहाँ टीचर्स बच्चों के साथ भेदभाव करें। एक सेकेंड, हेलो, हाँ नीतू मैम, क्या
ये तो खुशखबरी की बात है, अभी बताती हूँ उनको। देखिए मैम, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने आपको जो कुछ भी बोला, आपकी बहन के बारे में इतना कुछ बोला, पर मैं आपकी बहन की केयर करती हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहती। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, आपकी बहन ने साइंस एग्जीबिशन में टॉप किया है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। सीएम खुद चाहते हैं आपकी बहन को अवार्ड देना। मैम प्लीज़ आप अपनी बहन का एडमिशन कहीं और मत करवाइए, आप इसको यहीं रहने दीजिए और मैं आज से इसको हिंदी बोलने की भी परमिशन देती हूँ। मैडम आप कितनी लालची हो ना, अभी तो आप मेरी बहन को स्कूल से निकालने की बात कर रही थी और जैसे ही आपको पता चला कि मेरी बहन ने टॉप किया है तो वो आपकी स्टूडेंट हो गई। आप क्या कह रही थी, एक झाड़ू पोछा करने वाली की बहन झाड़ू पोछा ही करेगी, और जैसे ही आपको पता चला कि मेरी बहन ने टॉप किया है तो आपके तो तेवर ही चेंज हो गए। आपके जैसा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। देखिए मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, और आपकी बहन ने तो टॉप किया है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि हमारे स्कूल में रह सकती है। देखिए मैम, आप अपनी बहन का एडमिशन कहीं और मत करवाइए, मैं आपको इसके बहुत सारे पैसे दूंगी और हर महीने पैसे भेजा करूंगी ताकि आपको दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम ना करना पड़े। पर आपको इसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, बस आपको सीएम साहब को ये बोलना होगा कि आपकी बहन को मैंने पर्सनल ट्यूशन दी है। इतना तो आप बोल ही सकती हैं ना? हाँ मैं झूठ बोलूँगी? हाँ मैं मानती हूँ कि मैं काम वाली हूँ, लेकिन मैं ईमानदार हूँ और अपनी बहन को भी ईमानदारी से ही पढ़ाऊँगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन उस स्कूल में पढ़े जहाँ टीचर्स बच्चों के साथ भेदभाव करें। मैं अपनी बहन को यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी। चलो आर्या। मैम मेरी बात तो सुनिए बेटा, आप